हाँ थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वम तो होता है थोड़ा, मतलब पहले 2-3 किलो तक वैसा फील बाद, और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर, पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है, और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें इससे। सर काफी मतलब टफ था कंपटीशन, और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और सभी काफी अच्छी एवरेज में थ्रो लगा रहे थे। हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक, तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, पर सीखा है सर उससे कुछ, और बढ़िया है जो भी अच्छा है। बिल्कुल जी, हंगर रहेगा और वो रहना जरूरी है, और मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ मतलब अच्छा है, उम्मीद है सभी गोल्ड की, लेकिन हर बार गोल्ड भी नहीं आ सकता, और क्या पता मेडल भी ना आया, ऐसा भी हो सकता है, तो ये स्पोर्ट्स है, मैंने पहले ही बोला हुआ, अप डाउन चलता है, पर हमको अपना जो ट्रेनिंग है या जो भी हमारा काम है वो करते रहना चाहिए लगातार, और मैं करता रहूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, और कोशिश करूंगा कि हाँ और इससे बेटर रिजल्ट लेके आऊँ। ओलंपिक्स की बात करें तो पीटर्स के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था कि वो फाइनल में नहीं पहुंच पाया था, तो हर कंपटीशन हर एथलीट के लिए डिफरेंट होता है, और हर एथलीट की बॉडी अलग होती है, और मुझे लगता है कि कभी भी किसी से कंपेयर करना एक अच्छी बात नहीं है, कि पीटर्स ने वो अच्छा है उसको मैनेज किया, हमने भी कोशिश की, पर काफी टफ कंपटीशन था, और ठीक है वो भी अच्छा कमबैक हुआ बाद में और मेडल जीता, वो एक अच्छी बात रही आज के लिए, और जो भी आज कंडीशन थी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। हाँ मतलब जब तक वो नपा नहीं था थ्रो, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा था कि शायद से और अच्छा थ्रो है, पर हाँ सिल्वर मेडल का थ्रो था, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि वो कम बैक करना काफी चैलेंजिंग हो रहा था, थ्रो में कोशिश कर रहा था एफर्ट लगाने के, लेकिन वो लग नहीं पा रहा था, पर ठीक अच्छे से मैनेज हो गया, फिर भी हमने कम बैक किया और सिल्वर मेडल जीता, तो अच्छा रहा, थोड़ा चैलेंजिंग था पर अच्छा रहा। बात है कि आज खेल की दुनिया में हमने एकदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है, और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूँ कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहें।